तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे DOE की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट सोशल साइंस की CBE वर्कशीट नंबर 8 को दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड हो चुका है, साथ में मिशन मैथमेटिक्स वर्कशीट का सॉल्यूशन 17 सितंबर तक का सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है दोनों मीडियम में, साथ में असेसमेंट भी मिल जाएगा। तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर तैयारी कर सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लेना। और लास्ट सेशन के मिड टर्म पेपर के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो कमेंट में अलग से प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देखकर ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग प्लस इवनिंग के तैयार कर सकते हो, तो कर लेना। सीधा जो टॉपिक पर, ओके। तो बच्चों, इस वर्कशीट में हमें बाढ़ के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए के बारे में बताया गया है, तो आप अच्छे से सभी टॉपिक को ध्यान से केयरफुल्ली पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों, ध्यान से पूरी टॉपिक को पढ़ लेना कि ड्यूरिंग फ्लड्स यानी बाढ़ के दौरान हमको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर, आप वर्कशीट को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग फ्लड्स। हिंदी में देखो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, घर छोड़ने से पूर्व बिजली के स्विच और गैस कनेक्शन को बंद करना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है, ये राइट है। अगला, परिवार की एक आपातकालीन किट बनाना चाहिए, ये भी राइट है। अगला, बाढ़ के पानी में या उसके समीप खेलना ये नहीं चाहिए, ठीक है। अगला, ताज़ा पका हुआ खाना और सूखे मेवे खाना। तो बच्चों, ऐसा भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, बाढ़ के पानी में या उसके समीप खेलना ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, ठीक है, बाढ़ के दौरान पहला ही पॉइंट बताया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो, बाढ़ के पानी में ना घुसें, ये खतरनाक हो सकता है, बच्चों को बाढ़ के पानी में या उसके समीप ना खेलने दें, ठीक है। इंग्लिश में देखो तो क्वेश्चन 1 में सी ऑप्शन हो जाएगा, प्लेइंग इन और नियर फ्लड वाटर, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसीलिए आप इसे केयरफुल्ली पढ़ लेना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड वी डू ड्यूरिंग फ्लड्स, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हिंदी में देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, दिए गए कथनों के आधार पर उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन, रेडियो टेलीविज़न पर नवीनतम मौसम बुलेटिन और बाढ़ चेतावनियों को सुनना, तो हमें ये चाहिए, ठीक है। अगला, बीमारी की अवस्था में मेडिकल सहायता लेना, ये भी चाहिए, ठीक है, यानी कि पहला भी राइट है, दूसरा भी राइट है। तीसरा, परिवार के सदस्यों और पशुओं के साथ सुरक्षित स्थान जैसे सहायता कैंप, ऊंचाई वाले स्थान में चले जाना, ये भी चाहिए। अगला, गिरे हुए बिजली के तारों से खेलना, ये नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें खतरा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों राइट है, तो ऑप्शन नीचे से हमें सेलेक्ट करना है, केवल 1 गलत है, केवल 2 गलत है, 1 और 2 गलत है। तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा राइट है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल 1st, 2nd व 3rd, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बच्चों सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 में डी ऑप्शन है, ठीक है। इंग्लिश में तो इंग्लिश में भी आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन राइट हैं, प्लेइंग विथ फॉलन इलेक्ट्रिकल वायर्स ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ओनली 1st, 2nd एंड 3rd, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका डी ऑप्शन है। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है, कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।